नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चुरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था? और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने सभी से पूछा, हर कोई निरुत्तर और निशब्द रहा। कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाए। ये शब्द है बीजेपी से चुरू लोकसभा सीट के सांसद राहुल कासवान के। दरअसल जैसे बीजेपी ने शनिवार को देश की 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा 34 सांसदों के टिकट काट दी है, जिसमें चुरू के सांसद राहुल कासवान का नाम भी शामिल है। जब पार्टी के लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटे तो ये देख कर हर कोई दंग रह गया, जिसमें खुद हुए सांसद भी शामिल थे। बताते चले कि पार्टी ने राजस्थान के अपने 4 सांसदों की टिकट काट दी है। वहीं दिल्ली में पार्टी ने अपनी मौजूदा 4 सांसदों की ही टिकट काटे हैं, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, रमेश विधूड़ी और परवेश वर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के 26 राजनीतिक दल भी अब आपस में अपनी सीटों का बंटवारा करते लगातार ही नजर आ रहे हैं, जिसमें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है, जिसमें सपा ने कांग्रेस को प्रदेश की 17 सीटें दी है, जबकि सूबे में कांग्रेस के समर्थन से सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हाल ही में जयंत चौधरी की आरएलडी इंडिया गठबंधन अलग हो गई है, जहां इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में 7 सीटें सौंपी थी, तो अब बीजेपी ने उन्हें केवल 2 ही सीटें दी। साथ ही बता दें कि जयंत चौधरी की आरएलडी ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था, जहां वो सूबे में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा गठबंधन के साथ लड़े, जहां पर वो बुरी तरीके से हार गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।